वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एमएल चौधरी और आप मेरे साथ एसटी ट्यूटोरियल्स पर पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट टू। सबसे पहले तो सारे उन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत सारे लाइक, व्यूज़ और सब्सक्राइब दिए। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसी तरह अपना प्यार और सद्भाव मुझ तक पहुँचाते रहेंगे लाइक्स और व्यूज़ के द्वारा। एलडीसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसका पहला पार्ट में डाला था, आज मैं इसका दूसरा पार्ट शूट करने जा रहा हूँ। देखो थोड़ा सा क्या पढ़ने चाह रहे हैं अपन। मैंने पढ़ा है अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आवश्यक रूप से एक नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होता है। इस टॉपिक का बेस या ग्राउंड जानने के लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसका पार्ट फर्स्ट जरूर से देखें। अगर आप पार्ट फर्स्ट देख के अगर आप पार्ट सेकंड की तरफ मूव करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आशा करता हूँ अगर पार्ट फर्स्ट नहीं भी देखोगे तो यहाँ तक मैं आपको बात पहुँचा दूंगा। देखो एक बात जरा, अगर आपको कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो तो उसमें एक पॉजिटिव वर्ड मिलता है जो एज सून एज होता है। एज सून एज का हिंदी में अर्थ होता है जैसे ही। अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए अपने को एक नेगेटिव वर्ड की दरकरार रहती है और वो नेगेटिव वर्ड रहता है नो सुनर, अर्थ इसका भी जैसे ही होता है। लेकिन कुछ की पॉइंट्स जब आप इसको बदलते हो तो आपको ध्यान ये रखने होते हैं कि जहां एज सून एज के बाद जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है वहां आपका कोमा से काम चल जाता है, लेकिन नो सुनर से अगर किसी दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करना है तो हमें आवश्यक रूप से एक दूसरा पेड कंजक्शन चाहिए जो देन के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान रखना है, एग्जामिनर इस देन की जगह देन लिख सकता है, कई बार एग्जामिनर इस देन की जगह वहन लिख देता है, दोनों ही सूरत हाल में आपका सेंटेंस है वो रोंग हो जाएगा। आपको इस गलती से बचना है। जो तीसरी गलती वो है वो ये है, मैं आपके साथ एक नया वर्ड जो कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है डिस्कस करना चाहूँगा। मैं कहूँगा अगर किसी भी सेंटेंस को नो सूनर से स्टार्ट कर दिया जाए तो सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इस वर्ड्स के साथ बहुत सारे स्टूडेंट फैमिलियर नहीं हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को जानने के लिए अपने को इन्वर्जन का कंसेप्ट आवश्यक रूप से पढ़ना ही होगा। देखो दोस्तों, बचपन से एक सेंटेंस लिखते आए हो आप, ही नेवर टेक्स टी, वो कभी चाय नहीं पीता है, ये आपका बचपन से पढ़ा हुआ सेंटेंस है। मैं इस सेंटेंस में एक एडवर्ब देख रहा हूं और ये एडवर्ब है यहां पर नेवर। कहते हैं यदि कुछ एडवर्ब्स जैसे नेवर, नो सुनर, नॉट ओनली, हार्डली, स्केर्सली, लिटिल, नाइदर, एफ यू, इनको यदि सेंटेंस के शुरू में रख दिया जाए तो सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा इन्वर्जन होता क्या है। दोस्तों आपका इन्वर्जन वर्ड बना है इन्वर्ट से, और इन्वर्ट का अर्थ होता है उल्टा कर देना, यानी अगर सेंटेंस का सीक्वेंस अगर आप उल्टा कर देंगे तो सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग दिखाया जाएगा। जैसे देखो, अगर इस सेंटेंस की शुरुआत मैं नेवर से करना चाहूं तो मुझे इस नेवर के तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAS आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जहां हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्रयुक्त होती हैं, और ही के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर डज का प्रयोग करना होगा। आपको इस सेंटेंस को इस तरह से लिखना होगा, नेवर डज ही टेक्टिंग। ऐसा करता हूं इन्वर्जन आपको समझ आया होगा। आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जहां तक आपके LDC की बात है, आपको यह ध्यान रखना है नो सुनर के तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, जैसे यहां नेवर के तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है वैसे ही नो सुनर के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मैं आपके लिए इस सेंटेंस को एज सून एज से कन्वर्ट करने जा रहा हूं नो सुनर में, जहां नो सुनर के तुरंत बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, साथ ही नो सुनर से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको पेड कंजक्शन के रूप में जरूरत पड़ेगी देन की। चलो दोस्तों बढ़ते हैं इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने की तरफ। मैंने लिखा एज सून एज की तरह मैंने किया नो सुनर का प्रयोग। सुना तुमने अभी कि नो सुनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, निकाल के लाइए जरा हेल्पिंग वर्ब सी सा सीन, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है
और वर्ब का सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रयुक्त होता है पास्ट सिंपल टेंस में, जहां से हेल्पिंग वर्ब निकल के आती है डिड। सेंटेंस का सब्जेक्ट उठाइए सी, और आप भली भांति जानते हो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होता है, इसलिए ध्यान रहे एग्जाम में डिड के बाद सेकंड फॉर्म ना काम में लें। नो सुनर डिड सी 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 मी, यहां कोमा से काम नहीं चलेगा, पेड कंजक्शन देन देना पड़ेगा, देन सी रेन अवे। दोस्तों मैं पहले वीडियो में काफी डिटेल में ये बात डिस्कस कर चुका हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन और डिग्री कन्वर्जन में कभी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। यहां भी नहीं बदलना चाहिए, जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गई, उसने मुझे देखा ही नहीं था कि वो भाग गई, यानी दोनों कामों के बीच टाइम गैप जब इतना कम हो तो सेंटेंस को नो सुनर देन के जोड़े से, या फिर पॉजिटिव में कहूं तो एस सुने एस से जोड़ा जाता है। अब आप बना लीजिए कितने भी सेंटेंस, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा तेज करता हूं मैं, एस सुन एज द बेल रिंग द बॉयज वेंट आउट ऑफ देयर क्लासेज। अगर मैं स्टार्ट करूं नो सुनर से, बोलते चलिए, वेरी करेक्ट, नो सुनर है, एक हेल्पिंग वर्ब लाइए रिंग, फर्स्ट फॉर्म डिड है, द बेल है, रिंग है, वेरी करेक्ट, पेयर कंजक्शन देन, द बॉयज है, वेंट आउट ऑफ देयर क्लासेज। आ जाइए इस बार अगर उल्टा करना पड़ जाए कि नेगेटिव सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव में बदलना पड़ जाए, तो वही बात, नो सुनर की जगह सुन एज लिख दीजिए, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, नो सुनर के बाद तो इन्वर्जन होता है, यानी इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, क्या ऐसा कुछ एज सुन एज के साथ भी करना पड़ेगा? आपका आंसर होगा जी नहीं, एज सुन एज के बाद सीधा सब्जेक्ट आ जाता है, उठाइए वहां सब्जेक्ट है द थिप, यहां से पता चला डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेंस कौन सा, पास्ट सिंपल, यहां एज सुन एज के साथ सेंटेंस अफर्मेटिव बनने जा रहा है, यहां आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। एज सून एज द थिप है, सा द पुलिसमैन, यहां देन नहीं कोमा, ही रैन अवे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया, तो ये था आपका कंसेप्ट थर्ड। आपको हो तो एक एग्जामिनर एक एग्जाम पल और ले लेता हूं मैं आपके लिए, बना लीजिए आप, मैंने कहा एज सून एज सी केम हियर ए सी मेड ऑब्जेक्शंस, वो यहां पहुंची ही नहीं कि उसने ऑब्जेक्शंस स्टार्ट कर दिए, बना दीजिए फटाफट से। एज सुन एज यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर आपको इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आपको इसके लिए एक वर्ड लेना पड़ेगा। जी हाँ सही जा रहे हैं आप, नो सुनर, और नो सुनर के तुरंत बाद वेरी करेक्ट इन्वर्जन, पास सिंपल डिड है, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी कम हियर है, नो सुनर को तो भैया आवश्यक रूप से जोड़ीदार और जोड़ीदार टी एच ए एन होना चाहिए, ना कि टी एच ई एन देन या फिर बहन, तुमने लिखा देन, सी मेड ऑब्जेक्शंस। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट थर्ड, अगर आपको कॉन्सेप्ट लगातार पसंद आ रहे हैं या आप एलडीसी में अगर 5 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को जरूर से देखें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, इनको शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो यथाशीघ्र यथासंभव आपके पास पहुंचते रहें। चलो बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट नंबर 4। दोस्तों बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मजा आएगा पढ़कर, और ऐसा सो दैट और टू टू का प्रयोग आपने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा, यह भी मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। चलो आए हैं, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, मैंने लिखा है टू टू और सो दैट। देखो कोई भी श्योर होकर ये नहीं कह सकता कि टू टू के प्रयोग वाला सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव होगा,
और सो दैट के प्रयोग वाला सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होगा। कोई भी व्यक्ति इस बात को पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि आपको मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिखाऊंगा जहां टू का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होगा जबकि सो दैट का प्रयोग होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसको जानने के लिए मैं सो दैट और टू के सारे पॉसिबल पैटर्न्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत हेडेक पैदा कर देगा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। एक आपको बेसिक सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर उसका ठीक होना चाहिए और साथ ही साथ सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। चलो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, जिनमें से मैं पैटर्न फर्स्ट का जिक्र कर लेता हूँ। मैंने लिखा सी इज ए टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब देखो दोस्तों, इस तरह के कन्वर्जेशन को करने के लिए, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए यहां इस सेंटेंस का मीनिंग समझ आना जरूरी है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। सी इज टू वीक, वो इतनी कमजोर है, वो इतनी कमजोर है टू लिफ्ट दिस बॉक्स, कि वो इस बक्से को नहीं उठा सकती। वो इतनी कमजोर है कि वो इस बक्से को नहीं उठा सकती। अब मैं इसमें सो दैट का प्रयोग देखो किस तरह से करता हूं। सो का प्रयोग इस एडजेक्टिव वीक से तुरंत पहले कर दीजिए। देखो जैसे मैंने इस सेंटेंस को कन्वर्ट करके लिखा तो कुछ इस तरह बनेगा, सी इज ए सो वीक, वो उतनी कमजोर है, वह इतनी कमजोर है कि दैट की, अब दैट के बाद एक क्लोज आएगा और क्लोज को अपना इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट और इंडिपेंडेंट वर्ब चाहिए होती है। मैंने सेंटेंस का सब्जेक्ट दोबारा से लिया, बक्सा वही उठाएगी, सी नहीं उठा सकती का अर्थ है तो मॉडल कैन कैपेबिलिटी या एबिलिटी बताता है, सी कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। ये आपका पहला पैटर्न है जहां मैंने कहा सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। देखो अगर यहां का टेंस अगर आपका प्रेजेंट है, इजेमार है, तो यहां आप कैन प्रयोग में ले पे, और अगर मान लीजिए यहां का टेंस पास्ट कर दिया जाए तो अगर इधर पास्ट करोगे तो इधर मॉडल का टेंस है वो भी पास्ट हो जाएगा, और कैन का पास्ट आप जानते हो कुड होता है। तो ये एक चीज जो यहां गलत हो सकती है उसका ध्यान रखना है। इस प्रकार के सेंटेंस में अगर यहां सेंटेंस में इज है तो इधर कैन लीजिए, इधर वॉज है तो फिर क्या ले लीजिए, कुड ले लीजिए। तो ये पहला पैटर्न था दोस्तों जहां आपने देखा टू की जगह अपन ने सो दैट का इस्तेमाल किया। इधर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इधर वाले में आपका नॉट आ गया यानी ये सेंटेंस आपका किस तरह का है, नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपने टू के स्थान पर प्रयोग किया सो दैट का तो सेंटेंस बन जाता है आपका नेगेटिव। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने लिखा दिस वॉल इज ए टू हॉट टू टच। सेंटेंस का मीनिंग हुआ ये वॉल इतनी गर्म है कि इसे टच नहीं किया जा सकता। आप इसी कंस्ट्रक्शन को लेके वे चलते बने, आपने लिखना स्टार्ट किया, जी बोलते रहिए, वेरी करेक्ट, दिस वॉल इज ए सो हॉट दैट, ये वॉल इतनी गर्म है, कितनी भाई, कि इसको मैं टच नहीं कर सकता, वह टच नहीं कर सकता, वह टच नहीं कर सकती, वे टच नहीं कर सकते। क्या लिखोगे सब्जेक्ट, यहां तो जिक्र ही नहीं है सब्जेक्ट का। जब यहां सब्जेक्ट का जिक्र नहीं हो तो एक कॉमन सेंट सब्जेक्ट वन मान लिया जाता है, किसी को, वन का अर्थ यहां कोई भी है, वन ए कैन नॉट ए टच। अब देखो टच, कोई टच नहीं कर सकता, क्या टच नहीं कर सकता, टच ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, वन कैन नॉट टच दिस वॉल, दिस वॉल का जिक्र पहले हो चुका है तो यहां मैं इसके लिए प्रोनाउन काम में ले लूंगा, वो क्या हो जाएगा, इट। समझ आई आपको बात, जहां अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, एक आपको कॉमन सब्जेक्ट चाहिए, तो आप सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या काम में ले लेंगे,
वन काम में ले लेंगे। ये आपका दूसरा पैटर्न था। तो यहां अपन ने टू टू से सो दैट का प्रयोग करते हुए दो पैटर्न देखे। तीसरा पैटर्न देखिए, मैंने लिखना स्टार्ट किया सी इज ए टू स्लो फॉर ए रेशर, सी इज ए टू स्लो फॉर ए रेशर। देखो दोस्तों, अगर आप कहते हो सी इज वेरी टॉल, इसका अर्थ होता है सी इज वेरी टॉल। जैसे मैंने लिखा यहां पे सी इज ए वेरी टॉल, सी इज वेरी टॉल का मीनिंग बैठता है वो बहुत ही लंबी है, बहुत लंबी है। लेकिन अगर मैं यहां लिख देता हूं सी इज टू टॉल, टू का अर्थ भी वेरी होता है लेकिन नेगेटिव मीनिंग में। सी इज टू टॉल का अर्थ होता है वो इतनी लंबी है जितनी नहीं होनी चाहिए। तो यहां अगर मैंने लिखा है सी इज टू स्लो, वो है इतना स्लो थी, सॉरी इतना स्लो है जितनी नहीं होनी चाहिए फॉर ए रेसर। अगर उसको रेसर बनना है तो वो इतनी स्लो है जितनी वो नहीं होनी चाहिए। क्या इसको ऐसे कह सकता हूं मैं कि वो एज ए रेसर इतनी स्लो है कि वो कभी भी रेसर नहीं बन सकती? देखो किस तरह से कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं अपन, आइए मेरे साथ। फिर मैं आपको पूरा होने के बाद 5 से 6 एग्जाम्पल दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा कौन सा पैटर्न है, देखते हैं थोड़ा सा। मैंने लिखा सी इज ए सो स्लो दैट, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। वह इतनी स्लो है कि कितनी भैया, कि वो कभी भी क्या नहीं बन सकती, रेशर नहीं बन सकती। तो आप इसको इधर बनने के लिए बी फॉर्म काम में लेते हैं, सी कैन नॉट बी ए रेशर, कि वो क्या नहीं हो सकती भाई, रेशर नहीं हो सकती। वो इतनी धीमी है कि वो क्या नहीं हो सकती, रेशर नहीं हो सकती है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा ही इज टू डल, वो इतना डल है जितना नहीं होना चाहिए। गाना चल रहा है भैया बाहर, तुम हारो देवर मैं थारी भाभी, आवाज आ रही होगी आपको शायद, माफी चाहता हूं अगर मेरे वीडियो में थोड़ी सी बाहर का साउंड आ जाता है तो एडजस्ट कीजिए। आज साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी रखी है मैंने, वीडियो क्वालिटी भी डीएसएलआर के साथ बहुत अच्छी रखी है, तो आशा करता हूँ आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आएंगी। फिर भी बाहर कोई सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है तो बाहर से बहुत नॉइजी हो रहा है। देखो थोड़ा सा जरा इधर आइए, ही इज टू डल फॉर ए रेंगलर, वो इतना डल है कि वो क्या नहीं हो सकता, कभी भी रेंगलर नहीं हो सकता। अगर रेंगलर की बात करूं तो वो इतना डल है, क्या लिखोगे भाई, ही इज ए सो डल दैट ही कैन नॉट बी ए रेंगलर, वो इतना डल है कि वो कभी भी क्या नहीं बन सकता, रेंगलर नहीं बन सकता। आवश्यक रूप से ध्यान इस बात का रखें, अगर यहां का टेंस पास्ट कर दिया जाए तो मॉडल यहां पर कैन की जगह क्या प्रयुक्त होगा, पास्ट की एबिलिटी या कैपेबिलिटी बताने के लिए कुड का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे अगर यहां इज के स्थान पर वॉज का प्रयोग कर दिया तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपके पहले 3 पैटर्न थे जो सो दैट से स्टार्ट हो रहे थे। पहले में आपको सब्जेक्ट सेम मिल रहा है, दूसरे में कोई कॉमन सब्जेक्ट वन मानना पड़ेगा, और तीसरे में आपके पास सब्जेक्ट तो वही है लेकिन आपके पास टू लगाकर एक वर्ब नहीं मिल रही। तो जब टू लगा के वर्ब नहीं मिले, इस तरह का कंपोजिशन आपको मिले तो ही कैंट बी ए रेंगुलर काम में ले लेंगे। इसके 3 पैटर्न हो चुके हैं, आइए डिस्कस करते हैं अगले 3 पैटर्न। चलो अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं और इसी में पढ़ते हैं टू टू का अगला पैटर्न। देखो जैसे दोस्तों मैं कहूँ ही इज ए टू लेजी, इतना ही सेंटेंस मिलता है आपको, मीनिंग क्या होगा सेंटेंस का, वह इतना आलसी है जितना नहीं होना चाहिए, वह इतना आलसी है जितना नहीं होना चाहिए। यानी कंपैरिजन हो रहा है किसका, एक नॉर्मल व्यक्ति का एक आलसी के साथ, और कंपैरिजन आप कंपेरेटिव डिग्री में देन के साथ करते हो, भूले नहीं। क्या लिखोगे, ही इज ए लेजी लेजियर लेजियस्ट, He is lazier than he should be. He is lazier than he should be. वो ज्यादा आलसी है जितना वो होना चाहिए, उससे ज्यादा आलसी। सेंटेंस का अर्थ क्या है, वो इतना आलसी है जितना नहीं होना चाहिए। यहां आपका सेंटेंस है
He is too lazy. वो इतना आलसी है जितना नहीं होना चाहिए. सेंटेंस बन जाएगा He is lazier than he should be. या मैं कहूं He is lazier than it is proper. जितना जो प्रॉपर होता है उससे ज्यादा आलसी है. तो क्या कह दोगे आप He is lazier than it is proper. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. नेक्स्ट पैटर्न देखिए. मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज ए टू ओल्ड फॉर द टास्क. टास्क कार्य यानी इस पर्टिकुलर काम के लिए यह व्यक्ति बहुत बूढ़ा है. बहुत इसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है. अब देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा था ही इज टू वीक या ही इज टू स्लो फॉर द रेशर. यानी वो इतना स्लो है कि रेशर नहीं बन सकता. यहां आपने जो नाउन दी थी वो किसी मनुष्य को या फिर रेसर रेंगलर को डिनोट कर रही थी. यहां जो नाउन है वो किसी काम के लिए आई है. वो इतना बूढ़ा है कि वो इस काम को नहीं कर सकता. बड़ा बदलिए इसको सो दैट की सहायता से. क्या लिखोगे ही इज ए सो ओल्ड दैट. वो इतना बूढ़ा है कि वो इस काम के लिए फिट नहीं है. क्या कह सकता हूं मैं इस बात को. वो इतना बूढ़ा है कि वो इस काम के लिए फिट नहीं है. दैट ही इज ए नॉट फिट फॉर द टास्क. वो इतना बूढ़ा है कि वो इस काम के लिए फिट नहीं है. क्या कह दोगे ही इज टू ओल्ड फॉर द टास्क. वो इतना बूढ़ा है. इसका अर्थ भी यही निकल रहा है ही इज सो ओल्ड दैट ही इज ए नॉट फिट फॉर द टास्क. तो ये आपका अगला पैटर्न था. पांचवा पैटर्न जहां आपको टू टू देखने को मिल सकता है. छठवां जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छकाने वाला पैटर्न है वो देखेंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छकाने वाला पैटर्न है. मैंने लिखा देखो ही इज ए टू काइंड. वो इतना दयालु है जितना नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट प्रॉपर. ही इज टू काइंड टू. ही इज टू काइंड टू हेल्प द पुअर. मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए क्या कोई लॉजिकल मीनिंग आ रहा है इसका. ही इज टू काइंड. वो इतना दयालु है कि गरीबों की सहायता नहीं कर सकता. फिर काहे का दयालु है वो. यानी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं लॉजिकल एरर है, टेक्निकल एरर है. देखो कैसे करेक्ट करोगे. आपने अब तक यही पढ़ा है कि टू टू वाले सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. लेकिन देखो बात बिल्कुल उल्टी लग रही है. वो इतना दयालु है कि वो किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है. ही इज टू काइंड. यहां आपको देना पड़ेगा सेंटेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए नॉट. ही इज टू काइंड नॉट टू हेल्प देम पुअर. और जब ऐसी बात आ जाती है तो अब सो दैट से बनने वाला सेंटेंस है वो पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा. क्या लिखोगे. ही इज ए सो काइंड दैट. अब आप ऐसे लिखोगे कि ही कैन यानी कर सकता है. एबिलिटी का बोध हो रहा है क्या यहां पे. नहीं, वो करेगा. तो क्या लिखोगे. ही विल हेल्प द पुअर. देखो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार यहाँ कैन कुड भी बदल सकते हैं. जरूरी नहीं है. यहाँ सेंटेंस का मीनिंग जो है उसमें कैन फिट नहीं बैठता. कैन एबिलिटी को शो करने वाला मॉडल होता है. चलो एक और एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह का लिखता हूं. मैंने लिखा ही इज ए टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट द ब्राइब. वो इतना ईमानदार है कि रिश्वत स्वीकार नहीं करेगा. बनाओ देखें फटाफट से क्या बनेगा. टेक योर टाइम प्लीज. आइए मेरे साथ क्या लिख दोगे. वह इतना ईमानदार है. ही इज सो ऑनेस्ट दैट. वेरी करेक्ट. ही कैन नॉट एक्सेप्ट द ब्राइब. इज इट सीम्स लॉजिकल. इट डजंट सीम लॉजिकल. कुछ लॉजिक ही नहीं है कि वो कर नहीं सकता. अब आप ऐसे कह सकते हो कि वो आदमी रिश्वत नहीं ले सकता, नहीं लेगा, नहीं ले सकता. यानी एबिलिटी की बात कर रहे हो. यहाँ एबिलिटी का जिक्र नहीं होगा. अपन कहते हैं यार वो इतना ईमानदार है, वो रिश्वत तो एटलीस्ट नहीं लेगा. तो लेगा के लिए मॉडल विल यूज करेंगे यहाँ पे. दैट ही विल नॉट
एक्सेप्ट द ब्राइब। तो आज अपन ने बात की दो कंसेप्ट, एसुनेज और नो सुनर देन। एसुनेज और नो सुनर देन का कंसेप्ट थोड़ा गहरा होने के लिए आरपीएससी एलडीसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह देता हूं, मेरे ये छह एग्जांपल्स निकाल लीजिए, एलडीसी का पेपर 75 में से 74 नंबर का हो जाएगा आपका। ये एक नंबर पेटेंट करा लीजिए आप यहां से। चलो दोस्तों, मैं कुछ एग्जांपल्स एंड ऑफ द वीडियो स्लाइड में डालूंगा और उनके कुछ आंसर्स भी डालूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रही, कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके द्वारा आने वाला लाइक, व्यूज और सब्सक्राइब मुझे नई ऊर्जा देता है। और इसके लिए मैंने जो बहुत सारे लोगों की शिकायत थी, सर साउंड क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, वीडियो क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, तो मैंने अच्छी साउंड क्वालिटी और अच्छी वीडियो क्वालिटी के लिए DSLR परचेज कर लिया है। अब आपको इस तरह की किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रॉपर लाइटिंग के लिए मैं आपके लिए वीडियो धूप में शूट करता हूँ। आप मेरे जोश, जज्बे और इस मेहनत को इतनी कदर जरूर करेंगे कि आप अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले चरण में, अगले कंसेप्ट के साथ। अगले चरण में पार्ट 3 में मैं कोशिश करूंगा अफर्मेटिव टू नेगेटिव आपका समाप्त हो जाए। टोटल 7 से 8 वीडियोज की ये सीरीज रहेगी, जिसमें मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊंगा और आपके 5 नंबर और आपका भविष्य सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखते रहिए।